बेरोजगार हैं, उद्योग लगाना है, पैसा भी नहीं, लोन मिलेगा तब तो लगाएंगे। तो दोस्तों लोन भी मिलेगा, उद्योग भी लगेगा और लोन माफ भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हर्ष मिश्रा और हर्ष मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट योजना पे, जिसमें आप लोग उद्योग लगाने के लिए लोन भी लेंगे, व्यवसाय भी जो है आप वो भी चलाएंगे और आपका लोन भी माफ हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इस स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। ये स्कीम प्राइवेट नहीं है, क्योंकि आप हम सबको ही जानता है कि कोई भी प्राइवेट बैंक या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी अगर लोन देगी तो वो माफ नहीं करेगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है जिसमें आप लोन लेंगे, आप अपना उद्योग लगाएंगे। इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो चल रही है अभी पीएमईजीपी योजना, इस पे हम लोग बात करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा बात पे बात करते हैं। इस लोन योजना में जब हम लोग अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, इस टाइम में ही बहुत 10,000-20,000 रुपया हम लोगों का खर्चा हो जाता है, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, जो काम के लिए हम लोग लोन लेते हैं उसका कोटेशन में बहुत बार पैसा देना होता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सीए बनाता है, जिसमें कि अगर हमारे रिलेटिव भी हैं, दोस्त भी हैं तो भी 4,000-5,000 रुपया तो ले ही लेते हैं, नहीं तो 8,000-9,000 रुपये का झटका लगता है। दोस्तों मैं और हमारी पूरी टीम सहयोग करेंगे आपका कि अप्लाई होने से लेके आपके जगह तक जो आपका फाइल है वो पहुँचने तक आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के लिए हो या अदर कोई भी एक्सपेंसेस हो। अब हम लोग इसके अप्लाई प्रोसेस का थोड़ा सा बात करते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड जो लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, आपका मिनिमम जो सर्टिफिकेट है एजुकेशन का वो 8वीं तक का रहना चाहिए। इसके बाद अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके यहाँ वार्ड पार्षद होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके यहाँ वार्ड सदस्य होंगे, जिनसे आपको एक रेसिडेंसी लिखवाना पड़ता है। इसके बाद जो आप जिस बैंक में आपका फाइल ट्रांसफर होगा उसका IFSC कोड लगता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, जिसके थ्रू इस लोन का अप्लाई करते हैं। इस अप्लाई प्रोसेस के बाद जो हमारा काम रहता है वो रहता है कि आपका पेपर DIC जाता है, DIC से बैंक जाता है, इसमें हम लोगों का एक्सपेंसेस होता है जाने आने का, अदरवाइज इस सब से बचे। जो दोस्त हमारे अप्लाई कर चुके हैं, जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो अप्लाई कर चुके हैं, अब उनका लोन कहीं पे फंस चुका है या फिर कोई अदर इशू आ रहा है, इसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर जो हमारे वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो नंबर डाला गया है इस पर आप संपर्क करिए। वहां से आपको पूरी जानकारी मिलती है कि क्या दिक्कत आ रहा है, जो भी आपका सहायता रहता है वो निशुल्क में किया जाता है। हम और हमारी किसी भी टीम को आपसे एक रुपया नहीं चाहिए। आप अपना उद्योग लगाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, हमारा जो राज्य है उसको आगे बढ़ाइए, जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको रोजगार दीजिए। इसके साथ में और जो एक दिक्कत आता है वो है प्रोजेक्ट का, जो मैंने आपको वीडियो के आगे भी बताया है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रोजेक्ट जो है वो हमारे तरफ से आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी भी काम के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे यहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध करवाया दिया जाएगा, जिसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि इस उद्योग को हम लगाएं, किसी उद्योग में जाएं, गवर्नमेंट से लोन लें, इसके लिए अगर आपको अप्लाई में या किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों अगर और भी किसी इंडस्ट्रियल लाइन पे, जैसे कि हमारा बहुत सारा वीडियो आता रहता है, अगर उससे भी अगर कोई जानकारी वगैरह चाहिए तो मैं वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर में भी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी संपर्क करके, अगर आपको उद्योग के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से उद्योग का भी जानकारी ले सकते हैं। एक अच्छे धंधे का दोस्तों शुरुआत करिए, एक अच्छा उद्योग लगाइए, अच्छे तरीके से उद्योग जो है स्थापित करिए और खूब कमाइए, आप खूब आगे बढ़िए। तो नमस्कार, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उद्योग पे, जो इस उद्योग के तहत आप लोग के कौन कौन सी मशीनें हैं उसको मैं अलग अलग वीडियो में डिवाइड करूंगा और आप लोग उसको देखेंगे। मेरा जो नोटबुक का जो सीरीज था वो भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, जिसका अध्याय 1 आप लोगों ने देखा होगा, उसका अध्याय 2 और अध्याय 3 जो है तीसरा वो भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसका अध्याय 2 रेडी हो चुका है, बहुत जल्द आप लोगों के पास वो भी आप लोगों को मिले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद।